जो दुधवा के अंदर आप देखते हैं कि ये गैंडे हैं, बाहर आप देखेंगे तो लोग मतलब अनुमान नहीं लगा पाते कि दुधवा जैसी जगह में गैंडा होगा। दुधवा में क्या था कि जो पास्ट है उसमें यहाँ पे काफ़ी सारे राइनो थे, जिनको मतलब शिकार की वजह से जो यहाँ के जो रिकॉर्ड्स हैं डिस्ट्रिक्ट में कजेटियर्स हैं उसमें मतलब जो है उसका वर्णन था। और लोगों ने देखा कि भाई यहाँ तो बड़ा अच्छा एक माहौल है, वाकई में राइनो का हैबिटेट है, तो उस हैबिटेट को देख के उनको लगा कि यहाँ राइनो रीइंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो कहीं पर भी जब आप जानवर रीइंट्रोड्यूस करते हैं तो एक उसके अपने IUCN जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, उसके मानक निर्धारित किए हुए हैं कि आप जो है किस प्रकार से मतलब जो है क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए तो आप उस जानवर को वहाँ रीइंट्रोड्यूस करोगे। तो उसका हैबिटेट होना बहुत ही मस्ट है और हिस्टोरिकली उसकी प्रेजेंस जो है वो दरियाफ्त करनी होती है। तो यहाँ पे भी लोगों ने वो क्षेत्र चुना जहाँ की एक आइडियल मिक्स होता है, और उस समय भारतीय वन्य जीव संस्थान, जिसको आप पॉपुलरली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं देहरादून में, तो उनके स्तर से भी स्टडी कराई गई। उस समय जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने स्टडी की और एक पूरा एरिया उन्होंने कार्व आउट किया कि ये एरिया है जो बहुत ही मुफीद है। तो राइनो को क्या चाहिए, राइनो से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मतलब उनको पानी का अच्छा स्रोत चाहिए, क्योंकि न केवल पानी पीने के लिए चाहिए, उनको जो है बॉडी की गर्मी मतलब से निजात पाने के लिए। दूसरी, क्योंकि उनकी आप देखेंगे कि काफ़ी मोटी खाल होती है, दूसरी क्या होती है कि उनके ऊपर मक्खियाँ जो हैं खूब बैठती हैं, तो वो काटने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो उनसे भी उनको बचने के लिए अपने बॉडी को जो है उसमें डिप करके रखते हैं पानी में। और तीसरा क्या है कि आश्रय स्थल के लिए मतलब जो ये अपना वुडलैंड है वो चाहिए। तो मतलब तीनों का मिक्स इसलिए किया गया, ग्रासलैंड में घास खाने को मिल जाए, वेटलैंड्स के पानी मिल जाए, और जो वुडलैंड है उसमें उसको शेल्टर की जगह मिले। तो ये तीनों चीज़ का आइडियल मिक्स किया गया यहाँ पे, और 1984 में अल्टीमेटली हम लोग सफल हुए उसमें। 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घेरा गया और ये चुना गया कि कहाँ से लाएंगे। तो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो जो हिस्टोरियंस हैं या जो जिन्होंने इसको लिखा है वो उसका पूरा श्रेय उनको भी देते हैं उस समय के लिए, कि वो एक मतलब उनका एक झील था या उनका उत्साह था जिसके कारण जो है ये परियोजना सफल हो सकी। तो दुधवा में जो उस समय असम से बात करके लाया गया था यहाँ पे, तो अल्टीमेटली जो वहाँ से ले के आए थे पवितारा से, उसमें से वहाँ से 6 मतलब इंडिविजुअल को चिन्हित करके लाए थे, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से सर्वाइव यहाँ आते आते 3 कर पाए थे। तो जो रेशियो था वो पूरी तरीके से बन नहीं पा रहा था, तो फिर नेपाल के जो चितवन नेशनल पार्क है वहाँ से फिर इंडिया ने उनके साथ करार किया कि आपको हम 16 हाथी देंगे और उसके बदले आप हमें 4 राइनो देना। तो उनकी शर्त थी कि 4 के बदले 1 हम आपको देंगे, तो वहाँ से हम लोग 4 राइनो लाए, उसके बदले वो 12 हाथी लेके गए थे। तो टोटल जो सीड पॉपुलेशन थी वो हमारी 7 की सीड पॉपुलेशन हो गई उस समय। और अब समझिए कि 84 से लेके और जो ये सभी के मेहनत का नतीजा था कि आज के डेट में जो हमारा राइनो रिहेबिलिटेशन एरिया है वो पहले 1 होता था, अब दूसरा रिहेबिलिटेशन एरिया दूसरा भी बन गया, क्योंकि वहाँ संख्या 38 की हो गई थी। और आज की डेट में दोनों यदि हम रिहेबिलिटेशन एरियाज़ की बात करें तो दोनों मिला के आज हमारे 42 राइनोज हैं। तो आप समझिए कि 84 से लेकर यदि 36 सालों में आपके ऑलमोस्ट 600% का इजाफा है।